वेस्ट बंगाल के जंगलों में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है, और ये क्यों दिखती है किसी को नहीं पता। अगर आप इसका पीछा करोगे तो ये गायब होने लगती है। आज मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी बंगाल की रहस्यमय रोशनी के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल थर्ड चैप्टर में। वीडियो पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बंगाल में एक जंगल है और इस जंगल का कुछ हिस्सा दलदल में है। इस जंगल की बहुत सी चीजें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ लाइट्स ऑफ सुंदरबन या एल्सा घोस्ट की। ये किसी जगह का नाम नहीं बल्कि यहाँ चमकती रोशनी का नाम है। इस चमकती रोशनी को ही एलिया लाइट्स या लाइट्स ऑफ सुंदरबन कहते हैं। ये रोशनी किसी एक ने नहीं बल्कि यहाँ रह रहे गाँव वालों ने भी देखी है। इस रोशनी को आम लोग भी जानते हैं और विज्ञान भी। कुछ लोग इसे मन का वहम कहते हैं तो विज्ञान इसे अपनी दृष्टि से देखता है, पर इस रहस्यमय रोशनी के बारे में किसी को नहीं पता। ये रोशनी कोई वहम नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर रह रहे लोगों ने, घूमने वाले लोगों ने देखा है और साइंटिस्ट ने भी इसे देखा है। वहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि ये रोशनी उन लोगों की है जो यहाँ दुर्घटना से डूब कर मर गए। जिस व्यक्ति ने इस रोशनी का पीछा किया वो रास्ता भटक के मर गया। इस दलदल में से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं। कई लोगों ने ये बताया है कि जब वो इस रोशनी का पीछा करते हैं तो ये गायब होने लगती है, और जब वो वापस आते हैं तो यही रोशनी उनका पीछा करने लगती है। ये तो रही आम लोगों की बातें, पर विज्ञान का तो कुछ और ही कहना है। विज्ञान के अनुसार 1776 में डिस्कवर्ड हुए मीथेन के चलते ये सब होता है, पर इस थ्योरी पे कई सवाल उठने शुरू हो गए। कई साइंटिस्ट कहने लगे ये मीथेन रोशनी तो पैदा कर देता, पर ये लोगों का पीछा कैसे करता है। तो 1832 में एक विज्ञानी ने इसका कारण हवा को बताया। उनके अनुसार हवा के चलते ही ये रोशनी चलती है। तो कुछ विज्ञानियों ने इसका कारण वहाँ के पर्वतों में नेचुरल तौर पर पाया जाने वाला सिलिकॉन और आर्सेनिक के वजह से होता है ये सब। इस रोशनी पे एक कहानी भी है। पुराने समय की बात है, पहले बंगाल के राजकुमारों को अपने आप को साबित करने के लिए एक बंगाल टाइगर को मारना होता था। तो एक राजकुमार था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं इस राज्य के योग्य हूँ। उसने एक बंगाली टाइगर को मारने का सोचा। एक दिन एक बंगाली टाइगर और उसका बेटा तालाब के पास पानी पीने आए थे। वहीं ये राजकुमार घूम रहा था। उसने साथ के साथ उसका शिकार करने के बारे में सोचा। उसने एक तीर चलाया, पर तीर लगा उसकी माँ को, वो मारी गई, पर उसका बेटा वहाँ से भाग गया। तो राजकुमार राजा बन गया। उसने साबित कर दिया कि मैं इस राज्य के काबिल हूँ। कुछ सालों बाद वो बेटा वहाँ दोबारा आया। वो वहाँ पानी पी रहा था और उसका पैर फिसला तो वो वहाँ गिर कर वो मर गया। कुछ लोगों का कहना है इन बंगाली टाइगर्स की आत्मा ही वहाँ पर घूमती है जो दूसरे जानवरों की रक्षा करती है। बंगाल के पश्चिमी रोशनी का रहस्य अभी तक एक रहस्य है। ये कह देना कि विज्ञान ने इसको सुलझा लिया है ये ठीक नहीं रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।